हफ्ते में एक दिन बंद करना पड़ेगा, आप बंद करना नहीं चाहते लेकिन उन्होंने कहा बंद करना पड़ेगा। आप बच्ची का विवाह 18 साल से पहले नहीं कर सकते क्योंकि राज्य ने कहा है। तो आपके सारे जीवन में राज्य का दखल है, पहले ऐसा नहीं होता। राज्य नियामक सत्ता नहीं हुआ करती थी, राज्य पर धर्म सत्ता और समाज सत्ता का नियंत्रण हुआ करता था। राजा बहक नहीं सकता था। ये कहते हैं परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, क्षत्रियों का नाश नहीं किया, उन राजाओं का नाश किया, उन राजाओं का वध किया, उन राजाओं को गद्दी से उतारा जो राज धर्म का पालन नहीं करते थे, जो प्रजा का पालन नहीं करते थे, प्रजा पीड़क थे, प्रजा पालक नहीं थे, और उनको वध करके या उनको गद्दी से उतार करके स्वयं गद्दी पर नहीं बैठे, उन्होंने या तो उनके बच्चों को या किसी और व्यक्ति को राज दिया इस चेतावनी के साथ कि प्रजा के हित में काम करोगे, प्रजा धर्म का राज धर्म का पालन करोगे, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा भी परिणाम वही होगा जो इन राजाओं का हुआ है। तो पहले राज नियामक सत्ता नहीं थी, कुलपति के आश्रम में भी राजा को जाना होता था तो अनुमति लेकर जाना होता था। लेकिन कहा चलो आ गया है, बुला लो राजा को, क्यों आया है? राजा आया, उसने कहा कि सोना लाया हूं, ये चांदी लाया हूं, ये आभूषण लाया हूं और ये पशुधन है, ये अनाज है, कि आप अपने आश्रम के लिए स्वीकार करें। तो कुलपति महर्षि कर्ण ने कहा ये सब मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हें पत्ति से पूछ कर बताऊंगा, आप आए कैसे हैं? तो राजा ने कहा ये मेरी समस्या है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं 3 दिनों में कर दूंगा। और पत्नी को बुलाया, देखो राजा ये सब लेकर आया, तुमको आवश्यकता हो तो रख लो। तो ऋषि पत्नी ने कहा मैं जरा देख कर आती हूं, मुझे आवश्यकता है कि नहीं, अंदर गई थोड़ी देर बाद लौट कर आई, उनका राजन क्षमा करें, मेरे आश्रम में जितने ब्रह्मचारी हैं, जितने पशु हैं, यहां पर गौ रखी जाती थी, जितने गौ हैं और जो जंगल के पशु पक्षी यहां पर आते हैं उनके लिए दाना पानी सब मेरे पास 3 दिन के लिए पर्याप्त है, इसलिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। 3 दिन के बाद अगर इनकी आवश्यकता होगी तो मैं आपको कष्ट दूंगी, कृपा कृपा करके सब ले जाए। राजा को जवाब मिल गया कि 4th दिन भी चिंता नहीं कर रहा, मुझे 10 पीढ़ियों की चिंता है। राजा लौट गया अपना सारा सामान लेकर। तो जो ब्राह्मण हुआ करता था तो राज भी अगर भटकता था, राज अगर कष्ट में आता था तो उसको दिशा देने का काम ब्राह्मण करता था। उस समय नियामक सत्ता, धर्म सत्ता और समाज सत्ता हुआ करती थी, वो राज्य को सही दिशा पर ले जाती थी। आज हम देख रहे हैं जो राजनीति है वो खंड खंड कर रही है। इस बात की चिंता किए बिना इस राज्य के नागरिकों का, यहां के रहने वालों का जीवन पर क्या असर पड़ेगा? अभी नया बंटवारा इस प्रदेश में हुआ और सारे राजनीतिक दल इसमें शामिल है। 4 साल सरकार चलने के बाद किसी को लगता है कि इस प्रदेश की जनता बाजार मूल्य पर चावल नहीं खरीद सकती, इसलिए तो 3 रुपए में काल चावल दिया जाना चाहिए। तो दूसरी राजनीतिक पार्टी कहती है 3 रुपया में नहीं, उनको 2 रुपए में देना चाहिए। तो पहली पार्टी को लगता है कि अगर 2 रुपए में घोषणा करते हैं तो सारे वोट दिए ले जाएंगे, तो वो कहते हैं 1 रुपए भी देंगे। मुझे तो डर है कि अगले चुनाव में कोई राजनीतिक दल खड़ा होगा ये कहेगा कि नहीं 1 रुपया भी बहुत है, जनता को तो मुफ्त चावल देना चाहिए। तो दूसरी पार्टी उससे आगे बढ़ेगी क्योंकि होड़ है, वो कहेगी नहीं नहीं हम भी मुफ्त देंगे, वो मुफ्त दे रहे कोई बात नहीं, मुफ्त तो हम भी देंगे, हम एक सुविधा और आपको देंगे, हमारा कार्यकर्ता कुकर लेकर के तुम्हारे घर में जाएगा, जो मुफ्त चावल तुमको हमने दिया है उसको रांधेगा, और रांधने के बाद जब आप जमाई लेंगे और मुंह खोलेंगे तब आपको मुंह में कौर डाल देंगे, तो आपको चबाना भी ना पड़े इसलिए आपकी छुट्टी को ऊपर नीचे करें। ये होड़ है, ये प्रतिस्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा इसलिए नहीं है कि जनता का भला चाहते, ये प्रतिस्पर्धा इसलिए है कि वोट हमको मिलना चाहिए, और उससे क्या नुकसान हो रहा है इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। क्या कोई समाजशास्त्री अध्ययन हुआ? कोई तो
हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज इस दिशा में सोच रहे हैं। समाज शास्त्रियों के मस्तिष्क में कोई चिंता आती है कि जब से चावल का वितरण सस्ते दामों पर हो रहा है तब से इस प्रदेश में शराब की खपत 40% बढ़ गई है और यह अंदाज है कि आने वाले एक दो साल में छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा शराब उपभोग करने वाला प्रदेश हो जाएगा। क्या परिणाम होंगे इसके, क्या परिणाम हो रहे हैं? आज मजदूर नहीं मिल रहा, खेती बंजर होने जा रही है, उद्योगों में मजदूरी आ रही, नशे के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही, अपराध बढ़ रहे, परिवार टूट रहे हैं और ये चावल सस्ता चावल एक प्रकार की अफीम है, धीरे धीरे दो चार सालों में इस प्रदेश को निकम्मा कर देगा और जो बाहर से मजदूर आएगा शून्य नहीं रहेगा, लोग दूसरे प्रांतों से लोग लाएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब उड़ीसा बंगाल से लोग आ रहे हैं। नई सामाजिक समस्या पैदा हो रही, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बढ़ रही है, बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हुआ है, लूट और डकैतियां बढ़ रही, राजनीति इस बात की चिंता नहीं करती है।